फ्रेंड्स, आज के समय में मोटापे से छुटकारा हर किसी व्यक्ति को चाहिए। आज के समय में 100% लोगों में से 60% से ज्यादा लोग मोटापे से परेशान है। मोटापे की वजह से आपको रोजमर्रा की जिंदगी के कामों में दिक्कत आने के साथ साथ ये आपके शरीर में हार्ट, लंग्स, किडनी, लीवर और ब्रेन में हेल्थ प्रॉब्लम का कारण भी बनता है। इसलिए आज हम आपको 6 ऐसे तरीकों के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें अपनाकर आप लोग अपने मोटापे से छुटकारा पा सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है, इसलिए इसे बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो को लास्ट तक देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, लाइफस्टाइल में बदलाव। खराब लाइफस्टाइल की वजह से लोग मोटापे का शिकार हो जाते हैं। आप चाहे कितना ही अच्छा और हेल्दी खाना क्यों ना खा लें, लेकिन अगर आपका रहन सहन का तरीका ठीक नहीं है तो आपका वजन कभी कम नहीं हो सकता। इसलिए मोटापे से बचने के लिए आप लोगों को अपना लाइफस्टाइल बदलना होगा। अगर आप लोग रात भर जागकर टीवी देखते रहते हैं या लैपटॉप या मोबाइल में कुछ ना कुछ करते रहते हैं तो आप लोगों का वजन बढ़ने के साथ साथ आप कभी ना कभी बीमार पड़ ही जाएंगे। अतः अपनी रोजाना की दिनचर्या में सुधार लाएं। अगर समय की कमी हो तो भी आप लोग कम से कम 15 मिनट एक्सरसाइज जरूर करें। एक्सरसाइज करने का मतलब ये नहीं कि आप लोग जिम ही जाएं। आप 15 मिनट तक तेज कदमों से चल सकते हैं। आप ऑफिस जाते वक्त लिफ्ट की बजाय सीढ़ियों का भी यूज कर सकते हैं, या जब भी आप किसी से फोन पर बात कर रहे हैं तब आप पैदल चल सकते हैं और बात कर सकते हैं। इससे भी आपका वजन मेंटेन रहता है और आप अच्छे से हेल्दी रहते हैं। नंबर 2, मोटापा कम करने के लिए रेशेदार खाना। शरीर के लिए प्रोटीन जरूरी होता है, ये सभी जानते हैं, लेकिन अगर आप लोग सिर्फ प्रोटीन वाला खाना ही खाते रहेंगे और रेशेदार वाली चीज़ों का सेवन नहीं करेंगे तो आप जल्दी ही बीमार पड़ जाएंगे और आपका वजन तेजी से बढ़ेगा। खाने में कम फाइबर होने से आपका पाचन तंत्र पूरी तरह से खराब हो सकता है और आपको कई गंभीर बीमारियों का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए इसका सबसे अच्छा तरीका ये है, सबसे पहले आपको क्या क्या खाना है इसकी एक लिस्ट बना लें। देखें कि रेशेदार खाने में आप लोग क्या क्या बना सकते हैं और आपको क्या क्या बनाना आता है। उसके बाद इन सभी खाने की चीज़ों को हमेशा ध्यान में रखने के लिए एक बेहतरीन सा पोस्टर बनाकर अपने किचन या डाइनिंग टेबल पर चिपका लें, ताकि हर रोज खाना खाते समय आपको इन रेशेदार खाने की वस्तु का भी ध्यान रहे और आप हफ्ते में कम से कम 2 बार इन चीज़ों का सेवन कर सके। अगर आप लोग हफ्ते में 2 बार भी रेशेदार सब्जियों का सेवन करते हैं तो आपका वजन कंट्रोल में रहता है। नंबर 3, खाने में क्या और कितना खा रहे हैं उसका ट्रैक रिकॉर्ड रखें। जो भी खाना खाएं उस पर हमेशा अपनी सख्त नज़र रखें। कई बार हम टीवी देखते हुए खाना शुरू कर देते हैं, इससे बड़ा नुकसान ये होता है कि हमें पता ही नहीं चलता है कि हमें कितना खाना है और हमने कितना खाना खा लिया है। कई बार हम ये सोचकर ज़्यादा खाना खा लेते हैं कि हम हेल्दी प्रोटीन और कार्बयुक्त खाना खा रहे हैं। ध्यान दें, आप भले ही कितना ही अच्छा और सेहतमंद खाना खा रहे हो, ज़रूरत से ज़्यादा खाना आपको नुकसान ही करेगा। इसलिए हमेशा अपने खाने की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों पर ध्यान रखें। जब आप इन सभी चीज़ों का रिकॉर्ड रखने लगेंगे तब आप उतना ही खाना खाएंगे जितना आप अच्छी तरह से पचा सके और आपका वजन भी कंट्रोल में रहेगा। और अगर आपका वजन बढ़ा हुआ है तो आप वो भी तेज़ी से कम कर लेंगे। नंबर 4, सुबह खाली पेट जीरे का पानी पीना। जीरा आयुर्वेद के उन खजानों में से एक है जो कई बीमारियों का काल है। मोटापा कम करने के लिए जीरे का पानी अमृत के समान होता है। सुबह खाली पेट जीरे का पानी पीने से आपका मेटाबॉलिज्म बहुत तेजी से बढ़ता है, जिसकी वजह से आपके शरीर की एक्स्ट्रा कैलोरी बर्न होने लगती है और आपका वजन भी तेजी से कम हो जाता है। इसके अलावा जीरे का पानी आपकी पाचन तंत्र को मजबूत करता है और अगर किसी व्यक्ति को पेट से संबंधित कोई समस्या है तो वो भी जल्दी से ठीक कर देता है। नंबर 5, खाने में प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाएं। अपने खाने में प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाना मोटापे कम करने में काफ़ी फायदेमंद होता है। खाने में उचित मात्रा में प्रोटीन आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाकर हर रोज 100 से ज़्यादा कैलोरी को बर्न करता है, जिसकी वजह से आपको भूख कम लगती है और आपका वजन कंट्रोल में आ जाता है। मोटापे से बचने के लिए चीनी का कम सेवन। अधिक मात्रा में चीनी के सेवन से मेटाबॉलिक हेल्थ पर बहुत ही ज़्यादा हानिकारक प्रभाव पड़ता है। चीनी में 50% ग्लूकोज और 50% फ्रैक्टोज होता है। फ्रैक्टोज को लीवर द्वारा एक लिमिटेड मात्रा के साथ मेटाबोलाइज किया जाता है। अधिक मात्रा में रिफाइंड चीनी के सेवन से
लीवर उसका पाचन नहीं कर पाता है और फ्रैक्टोज को चर्बी बना देता है और यही चर्बी आपके पेट में जमा होकर बेली फैट बन जाती है। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि आप लोग चीनी या कोई मीठी चीज का सेवन कम करें। आप लोगों ने एक्टर्स को ज़रूर देखा होगा, वो लोग इसी चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखते हैं, वो लोग मीठे का सेवन बिल्कुल नहीं करते हैं। अगर करते हैं तो नाम मात्र के लिए करते हैं। वही तरीका आपको अपनाना पड़ेगा। अगर आपका वज़न दिन पर दिन बहुत ही ज़्यादा बढ़ता जा रहा है तो सबसे पहले आप लोग चीनी का सेवन या चीनी से बने पदार्थ या कोई मीठी चीज़ खाना बंद कर दें। दोस्तों, इस वीडियो को देखकर आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि आप लोग क्या क्या गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से आपका वज़न कम नहीं हो पा रहा है। अगर आप लोग इन गलतियों में से कोई गलती कर रहे हैं और आप लोग सीरियस अपना वज़न कम करना चाहते हैं तो आज से और अभी से ही ये सारी गलती करना बंद कर दें और इन टिप्स को अपनाकर आप लोग अपने दिनचर्या को शुरू करें। मैं गारंटी देता हूँ आपका वज़न कम हो जाएगा। अगर आपका वज़न कंट्रोल में है तो वो आगे नहीं बढ़ेगा। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको लगता है कि हमने आपको सही इन्फॉर्मेशन दी है, ये इन्फॉर्मेशन भरोसेमंद है, तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। और अगर आप लोग हमसे कोई कमेंट में सवाल पूछना चाहते हैं या अपना कोई सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिए। हम हर किसी के कमेंट पढ़ते हैं और उसका जवाब भी देते हैं। वीडियो पसंद आए तो आप लोग इसे अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करें। और अगर आप लोग ये आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।